लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्यों आई हो? क्यों? बिलाल से मेरा कोई रिश्ता नहीं है क्या? मैं उसकी कुछ नहीं लगती हूँ क्या? तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो। मक्कार होती तो यहाँ कभी नहीं आती। अपना फर्ज पूरा करने आई हूँ मैं। बिलाल की फूफी लगती हूँ, इसी रिश्ते से यहाँ पर आई हूँ। आज बिलाल की फूफी होने का एहसास हो रहा है तुम्हें? एहसास तो मुझे पहले से ही था अम्मी। खबरदार जो मुझे अम्मी कहा तो। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, इंसान खत्म हो जाते हैं अम्मी। इतनी ज्यादा नाराजगी अच्छी नहीं है। चार किताबें बाहर से क्या पढ़कर आई हो? मुझे फिलॉसफी सिखा रही हो? बड़ों से जबान लड़ाना सीख गई हो? क्या बात है अम्मी? इसे कहो कि यहां से चली जाए। नहीं अम्मी, आप मंत्रिशा को गलत समझ रही है। तुम इसकी तरफदारी मत करो, मैं सब जानती हूं। अम्मी, हम गलत फहमी के शिकार थे। गलत फहमी एक बार होती है, बार बार नहीं। ये जरूर किसी मकसद से यहां आई होगी। नहीं अम्मी, मंत्रिशा बहुत अच्छी लड़की है। ये तो मेरी गलती है कि मैंने आपसे बताने में देर कर दी। जाने अनजाने में इसने जो भी गलतियां की है उसके लिए इसने माफी मांग ली। अब आप भी इसे माफ कर दीजिए, क्योंकि माफ करने वाले माफी मांगने वाले से भी बड़े होते हैं। अम्मी, गलती तो इंसान से ही होती है ना। और वैसे भी अब हमारे पास एक दूसरे की शिकायत के लिए वक्त भी नहीं है। बिलाल की मोहब्बत इसे यहां ले आई है, यही तो इसकी अच्छाई का सबूत है। अल्लाह के वास्ते आप इसे माफ कर दीजिए और बिलाल और मुन्ने की खैरियत के लिए दुआ कीजिए।
या अल्लाह, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। या अल्लाह, रहम कीजिए हमारे बच्चे पर। या अल्लाह, मेरे बच्चों की जिंदगी की अब तेरे हवाले है। डॉक्टर साहब, कैसे हमारे बच्चे? जल्दी बताइए ना डॉक्टर। आप लोगों की दुआएं काम आ गई। लाख शुक्र। ऑपरेशन कामयाब हो गया है। मैंने कहा था ना, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने हमारी सुन ली। डॉक्टर साहब, हम बच्चों को देख सकते हैं? मियां भी नहीं। क्यों डॉक्टर साहब? देखिए, अभी बच्चों को होश नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों को होश कब तक आ जाएगा? देखिए, कम से कम 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। डॉक्टर साहब, प्लीज हमें एक बार बच्चों से मिलने दीजिए। जी डॉक्टर। देखिए, आप लोग इंतजार कीजिए, जैसे वो होश में आ जाएंगे मैं इजाजत दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बच्चे बच तो जाएंगे ना? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन उनकी जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में। ऊपर वाले के हाथ में? वैसे तो पूरी दुनिया ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आप डॉक्टर होकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं अभीर और गजाला को छोटी तसली देते देते परेशान हो गया। डॉक्टर्स के लिए ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो हमारा फर्ज होता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपने हमारे बच्चों को मौत के मुंह से निकाल दिया? अल्लाह आपके हाथों में और शिफा दे, ताकि हर मरीज आपके हाथों से ठीक होकर अपने घर जाए।
रज़ाला, सब खैरियत तो है? नहीं रज़ाला, सब खैरियत ही तो नहीं है। आप परेशान लग रहे हैं। हाँ, लेकिन देखो तुम परेशान मत होना, प्लीज प्लीज अपने आप को संभाल लो। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि क्या हुआ? गजला, हमारे मुन्नी की हालत बिगड़ गई। नर्स, इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर ले चलो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे मुन्ने को? आपने तो कहा था कि उसे होश आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। आप बोलते क्यों नहीं? जवाब दीजिए, उसे क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? देखिए देखिए, प्लीज आप हमें कुछ बताइए, वरना आपकी ये खामोशी हमारी जान ले लेगी। आप लोगों को नहीं पता आपके बच्चे को क्या हुआ? पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते ही आपकी परेशानी बढ़ जाती है। डॉक्टर को परेशान करना आप शुरू कर देते। देखिए आप लोग कैसे जाइए, मुझे बच्चे को देखने दीजिए, मुझे उसका इलाज करना है। ये कोई छोटी बीमारी नहीं जिसका रिजल्ट मैं आप लोगों को फौरन दे दूं। नर्स, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। एक्सक्यूज मी। अबे, मैंने अबीर का भरोसा जीत लिया है। अब उसके घर आने पर हम उसे जूबी के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करेंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है, ज्यादा खुश मत हो। अबीर को तुम इतना बेवकूफ समझते हो? वो तुम्हारी बात को इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मानेगी कैसे नहीं, जरूर मानेगी, क्योंकि मैंने उसके दिल में अपनी जगह बना ली है। और जो इंसान किसी का दिल जीत लेता है, वो उस इंसान को जीत लेता है। फिर उसे अपना गुलाम बनाने में वक्त नहीं लगता। अम्मी, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी जब जूबी के लिए अबीर की जबान से सहर भरे अल्फाज हथियार की तरह निकलेंगे। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ, बिलाल जिंदा है या मर गया? हाँ अम्मी, आपके मुंह से ऐसी बातें जेबा नहीं देती। तो क्या उसके मरने के बाद जेब देंगी?
अम्मी शायद आप भूल रही हैं, बिलाल आपका इकलौता पोता है। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे? बिलाल वो ठीक है। डॉक्टर साहब, आप फिलहाल क्यों कह रहे हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं कह सकते कि बच्चे कैसे हैं? क्या हम बच्चों को मिल सकते हैं? देखिए, उनको अभी होश नहीं आया। कब तक होश आएगा मेरे बच्चों को डॉक्टर? कैसे डॉक्टर हैं? अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना तो इस हॉस्पिटल को मैं क्या कर लेंगी? आप पागल हो गई? हाँ, मैं पागल हो गई हूं। आपकी बातें सुन सुनकर मेरा दिल फटा जा रहा है। और आप आसानी से ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं और कह देते कि बच्चे को होश नहीं आया। शट अप। क्यों चुप रहूं मैं? मेरे बच्चे को होश क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? मैंने उसे बचाने की क्या जिम्मेदारी ले रखी? डॉक्टर साहब प्लीज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक डॉक्टर होकर आपका ये रवैया? हम बच्चों के मां बाप हैं और इस वक्त हमारे दिलों पे जो गुजर रही है वो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको हमें तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन हद है। आप हमें तसल्ली देने के बजाय हमसे इस अंदाज से पेश आ रहे हैं। अच्छा, हमें एक बात बताइए, क्या ये सब आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर हमें आप पहले ही बता देते कि हम आपके बच्चों की जिंदगी नहीं बचा सकते तो हम उन्हें लेकर यहां नहीं आते। देखिए, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। कौन आपके बच्चे को मौत के नजदीक लेके जा रहा है? दुनिया का कौन सा डॉक्टर अपने पेशेंट को नहीं बचाना चाहता? आप लोगों के जबान पर लगाम नहीं। जो मुंह में भगते थे इनको जो लगा इन्होंने कह दिया और आप उनको बढ़ावा दे रहे बजाय उनको समझाने के। मेरे ख्याल से आप समझदार लग रहे थे। डॉक्टर साहब, जिसका दिलो दिमाग ठिकाने पर नहीं होता है ना, वो नासमझ हो ही जाता है। और इस वक्त हमारा दिलो दिमाग सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों में है, इसलिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसका मतलब सारी गलती हमारी है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए, आप लोग एक बात सुन लीजिए, आपके बच्चों के ट्रीटमेंट में मैंने कोई कमी नहीं की है और अब आप अल्लाह पर भरोसा रखिए और बच्चों की जिंदगी के लिए दुआ कीजिए, बस।